मानेगा नहीं तू? हैं? तुझे काफी दिनों से देख रही हूँ, तू यहाँ पे क्यों चक्कर लगाता है? अरे मुझे काम पड़ते हैं, इसलिए चक्कर लगाता हूँ। तू इसी घर के सामने चक्कर क्यों लगाता है? अरे इसी घर के सामने तुझे काम पड़ता है तुझे? अरे जब रास्ता खुला हुआ है तो निकलूंगा नहीं यहाँ से। अच्छा मैं सब जानती हूँ, पुजारी जी की लड़की के पीछे पड़ा है ना तू। आपको कोई गलतफहमी हुई है भाभी जी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस रास्ते से निकल, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ठीक है? अरे मैं इस रास्ते से निकल के जाता हूँ। जितनी तेरी उम्र है उतनी तो मेरी अकल है। तो क्या करूँ तू फिर? देख ये मैं निकल के भी नहीं आ सकता, खुला हुआ रास्ता है भाई। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, जिस उम्र में जो तुम कर रहे हो ना ये अच्छा नहीं है, ठीक है? गलतफहमी नहीं हुई मैं मुझे। बताऊं, एक बात बताऊं आपको, इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे अभी यहाँ 10-12 दिन हुए हैं आते जाते। ऐसा यहाँ से इसी कॉलोनी में मैं आगे कोचिंग पढ़ता हूँ। अच्छा। तो इसीलिए वहाँ के लिए जाता हूँ। कोचिंग के लिए किताब वगैरह होती है? कोचिंग मैंने तुझे कंप्यूटर कोचिंग है भाई, कंप्यूटर कोचिंग में कौन सी बुक्स की जरूरत पड़ती है? आप कंप्यूटर कोचिंग हो गई, वाह वाह, तुम लोगों ने भी, तुम जैसे लड़कों ने मतलब पढ़ाई के कितने सौ बहाने ढूंढ रखे हैं। देखिए अगर आप अगर कुछ गलत देख लें तब मुझसे कहना, आप अदरवाइज मुझसे अभी कुछ मत कहिए। आपको अगर लगे कि हाँ मैं उस लड़की से मिल रहा हूँ, या जिस भी लड़की की आप बात कर रहे हैं मुझे तो पता नहीं है, अगर आपको लगे कि मैं उस लड़की के चक्कर में आता हूँ या लड़की वो मेरे साथ दिखे, तब आप मुझे ब्लेम करने की हकदार हैं। एक बात बताऊं, भले ही तुझसे उम्र में बड़ी हूँ लेकिन इतना तजुर्बा तो है कि तू किसके चक्कर में आता किसके चक्कर में नहीं आता। मैं आपसे दिमाग मारने के मूड में नहीं हूँ। एक मिनट रुक जा, अभी जाने की जल्दी क्या है? एक बात बता, और तेरा यही टाइम क्यों होता है आने का? अरे टाइम कोचिंग का यही है, तो यही इसी टाइम पे आऊंगा ना, इससे अलग टाइम पे क्यों आऊंगा? अच्छा हाँ, के बजे जाता है तू कोचिंग? मैं 4 बजे कोचिंग जाता हूँ। 4 बजे? हाँ। कभी कभी तो मैं तुझे 2 बजे 3 बजे भी देख। अरे कभी कभी ऐसा होता है ना, घंटे पहले क्यों आ जाता है? अरे कभी कभी कोचिंग का टाइम चेंज भी हो जाता है ना, जैसे जैसे बच्चों के बैच चलते हैं उसी हिसाब से टाइम हो जाता है। ठीक है जा। पानी लेके आती, कहाँ चल दी? वो भाभी जी पानी लेने जा रही थी। तू बड़ा दिन भर पानी ढोती है? नहीं नहीं वो थोड़ी सी जरूरत थी ना इसलिए। थोड़ी सी जरूरत? ये तुझे पता है तीसरा चक्कर लग रहा है मुझे तेरा। नहीं तो ये भाभी जी खत्म हो जाता ना, एक ही कलसी है ना हमारे। तेरे घर में 2 जने हैं, पानी की इतनी क्या जरूरत पड़ जाती है तुझे? एक कलसी थे तो वो खाना पीना बना लिया था, और एक पी के खत्म हो गई तो एक और भर के रख ले रही थी। अच्छा तुझे तो मैं पूरा दिन पानी ही ढोते देखती हूँ, पानी के अलावा कोई काम नहीं करती तू? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कब कहा कि ऐसी कोई बात है? सच बता रही है ना? जी भाभी जी, चाहे तो आप मेरे साथ चल सकते हैं लेकिन मैं पानी ही लेने जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी इसलिए मैंने तुझे आज टोक दिया। नहीं नहीं लेकिन एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि सीधे पानी लेने जाना और पानी लेकर घर पर आना, ठीक है ना? जी भाभी जी। इधर उधर दिमाग मत चलाना अपना। जी भाभी जी। विवेक, अरे मुझे पता ही था कि आप मुझे नलपरी मिलने वाले हैं। वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहना तो ठीक था लेकिन मुझे ये बताओ इतना टाइम कैसे लग गया तुम्हें यहाँ आने में? अरे यार टाइम तो लग नहीं था, वो भाभी है ना पड़ोस वाली, अरे सोनिया भाभी, अरे मोटी सी जो है हमारे बराबर में जो रहती है, वो मेरे दरवाजे पे उस दिन खड़ी थी। तुम कह रहे थे कि तेरे दरवाजे पे कोई खड़ा है, मैं आ रही थी ना, मुझे लग रहा है उनको डाउट हो गया एम पे। तभी मैं कहूँगा मुझसे भी, मैं निकल के जा रहा था गली में से, उन्होंने मुझे रोक लिया कि तू बहुत चक्कर लगाता है और मुझे पता है किस वजह से चक्कर लगा रहा है। आपको भी बोल रही थी, हे भगवान कहीं ऐसा नहीं हो कि वो हम दोनों पे ही चक्कर रही हो। तो करने दो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो सुन लो, मैं मुझे बस इतना मालूम, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं चाहे कुछ भी हो जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं। और हाँ देखो यार, ऐसे मिलना जुलना कब तक लगा रहेगा? अब तुम्हारे गांव में मुझे डर डर के आना पड़ता है, कोई देख ना ले, तुम्हारे पिताजी को पता ना लग जाए, तुम्हारे घर में किसी को पता ना लग जाए, और तुम भी इतनी डरती हुई जाती हो कि तुम्हें कोई गाँव वाला ना देख ले। कहीं और जगह देखो ना कि किसी और जगह हम मिल सकें, 2-4 मिनट बात कर सकें यार, बैठ सकें उठ सकें। कम से कम महीनों हो गए, महीनों से हम 10 मिनट ढंग से बात नहीं कर पाते। आती हो चली जाती हो, आती हो चली जाती हो, फिर क्या करें? आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे सारी कमी मेरी है। अब बताओ मैं आपसे मना करती हूँ क्या मिलने के लिए? जब आप बुलाते हो जब मैं आ जाती हूँ। देखो अब बताओ, तीसरी बार आई हूँ तुम्हारे चक्कर में पानी लेने। पता है भाई, तुम मानता हूँ कि तुम मेरी फिक्र करती हो और तुम मेरे लिए ही आती हो, लेकिन यार ऐसे 10-10, 5-5 मिनट बाद मिलना, मालूम इससे लोगों का शक ज़्यादा बढ़ता है। जब तुम 10 बार घर से पानी लेने आओगी तो लोगों के दिमाग में की थिंकिंग और सोच यही बन जाएगी कि ये कुछ ना कुछ लड़की गलत करने जा रही। तो दिन भर में एक बार आओ ना, चाहे मुझसे आधे घंटे मिल के जाओ, लेकिन चाहे एक ही बार आओ।
क्या सोच में पड़ गई? मैं सोच में कुछ नहीं पड़ गई, ये सब मतलब तुम मुझे बोल रहे हो तो ये सब मैं करूंगी क्या? मेरा आने का फर्ज है, मैं आती हूँ। अच्छा, 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 अच्छा मेरी बात सुन, अब तो तुम पानी ले जाओ, लेकिन कल से हम लोग यहाँ गाँव में ना मिलके, तुमने बाहर बगीची देखी है? उस बगीचा है, उस बगीचे में तुम मुझसे मिलने आया करो, चाहे दिन में एक बार आओ, लेकिन यार थोड़ा टाइम निकाल के, है ना? ठीक है। अभी भी कुछ सोच रही हो? नहीं नहीं, वो मैं ये सोच रही थी कि हम ऐसे, ठीक है आपने कहा कि हम कब तक मिलते जुलते रहेंगे, तो मैंने तुमसे कब मना किया कि तुम शादी मत करो? तुमने हाँ भी कब किया? तो मैं अपने पापा से इतना डर लगता है कि पिताजी से कैसे बात करूं? तो पिताजी से आप बात करोगे ना, मैं बात थोड़ी नहीं करूंगी। पिताजी आएंगे, भाभी आओ, उससे पहले मैं जा रही हूँ। ठीक है, ओके बाय। पानी तो भरती जाओ भाई। और यार मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ठीक है बाय। राम राम ताऊ जी। राम राम। राम राम। बैठ बेटा। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सब बढ़िया? हाँ तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। और बता। बस बढ़िया है। मैं ये कह रही थी। बता। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? मेरी तबीयत ठीक। कुछ ज्यादा खांसी हो रही है तुम्हें? बहुत खांसी हो रही है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। चूरन लेके आऊंगा रामबाण। अच्छा अच्छा ना, तो मैं डॉक्टर बताऊंगी, वहाँ चले जाना तुम। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा मैं ये कह रही हूँ। हाँ बेटा। तुम्हारी बिटिया जो है अब जवान हो गई है। हाँ? नहीं तो उसके लिए लड़का वड़का देखा नहीं? देखा अभी तक? मेरी बेटी जवान हो गई है, मैं देख रहा हूँ लड़का। अब देख ऐसा, देख मैं बड़े बूढ़ा आदमी, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कहाँ किसको बताऊँ? अब अगर जो मिल जाता है, नाई ठाकुर मिल जाते हैं तो उनसे बोल देता हूँ। तो अपना वो कह रहे थे चलो तुम्हारे लड़की के लिए अगर लड़का होगा बढ़िया तो हम देखवा देंगे। अच्छा तुम्हें ज्यादा ही हो रही है खांसी, लेकिन मैं तो एक बात कह रही हूँ तुमसे कि देखो ऐसा सियानी बेटी है, ज्यादा दिनों तक घर में रखना सही नहीं है। अच्छा। इससे उसके पीले हाथ करो, उसे अपने घर पहुँचाओ। पीले हाथ? हाँ ठीक है हम कर देंगे, लेकिन अभी बेटा देख समय लगेगा कुछ, तुझे पता तो है। तो क्या कर रही है? तो ताऊ जी मैं यही कह रही थी कि वो क्या कहते हैं, देखो लड़का वड़का देख के अपना अच्छे से घर में उसकी शादी कर दो, ऐसा सियानी बेटिया हो जाती है ना, तो फिर गांव वाले भी कहते हैं अरे कब करेगा शादी, कब नहीं करेगा। अरे तो बेटा एक बात बताओ, एक आध साल रुक जा, एक आध साल के बाद मैं अपनी बेटी के लिए लड़का देख करके उसकी शादी कर दूंगा, क्यों चिंता कर रही है खानों का? उसकी उम्र है शादी लायक, इसलिए कह रही हूँ। उसकी उम्र है मुझे दिख रही है बेटा, लेकिन एक बात बता, अभी मेरी बेटी अगर देखो, अभी बेटी जो है अगर मैं अभी से उसे शादी के बंधन में अगर मैं बांध देता हूँ, अगर वो बंध जाएगी बेचारी अपने ना तो कुछ, देखो शादी के बंधन में एक ना एक दिन तो ताऊजी उसे बंधना, आज ना कल, कल ना परसों, एक ना एक दिन बंधना है। अरे तो बंधना है तो ऐसे थोड़ा ही कि अगर उसकी जितनी भी ख्वाहिश है सब मैं अधूरी रखूं। अरे तो ख्वाहिश है तो शादी के, शादी जिस दिन करोगे उस दिन पूरी हो जाएंगी, ऐसे क्या तुमने उसके लिए ताजमहल देने के लिए सोच रखा है? अरे बेटा वही वाली बातें कर रही है, मैं तो थोड़ा कहना बहुत समझना, बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम करो मत करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो तुम्हें वो चीज बता रही हूँ अपना समझ के। समझ के बता रही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तू इस बात को नहीं समझ रही है कि एक बात बता, किसी भी लड़की है भाई, देखो अधिकांश लड़कों के सपने पूरे हो जाते हैं लेकिन लड़कियों के नहीं होते हैं, ये बात मत भूलना। लड़कियों के जल्दी विवाह करने के बाद में उनके सपने बहुत टूट जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। ताऊ जी तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये नया जमाना है, अब ये जमाना बदल रहा है, तुम पिछले जमाने की बात कर रहे हो। कैसे पिछले जमाने? अगर कोई 19-20 ऊंच नीच हो भी गई तो फिर धरे रहना हाथ पे हाथ धरे। अरे हाँ ऐसी तेजी उसकी, अगर 19-20 बात हो जाए, देख बेटा एक बात बताऊं तुझे, देख मैं हूँ पंच 25 गांवों का, ठीक है, और देख वो है मेरी बेटी, किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है, किसी का इतना बल नहीं है बाजुओं में मेरी बेटी से कोई भी दो बात कर सके, मैं तुझे क्या बता रहा हूँ समझ रही है? और सुन मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी मैं शादी करूं ना करूं, कब करूं कब ना करूं, इसमें तू दखल अंदाज मत कर और अपना काम कर, तू कम काम दे कब ना हमने मत बुझे। ताऊ जी तुम तो एक दिन एक चीज बताऊं, क्या है? जितना ऊपर को उड़ रहे हो ना एक दिन धड़ाम आके गिरोगे जमीन में। हमें कर क्या नहीं दे और तू भी मत उठाने आई हो, लेकिन हमसे ऐसी बेफिजूल वाली बातें मत कर। अरे हमें क्या मतलब, तुम्हारी लड़की शादी करो। अरे जा, आई हमें समझाने तो समझी नहीं, हमें समझाने आज चले आए लोग, हम करेंगे अपनी बेटी की शादी बढ़िया तरीके से। हे राम राम। राम राम। और कहाँ से आ रही हो? अरे यहीं गई थी किसी काम से। कहाँ से आ रही हो, कौन से? अरे काम से गई थी यार। काम लगा लो, किसी काम से गई।
गई थी। अरे कौन सा काम है वो, कहाँ है वो? अरे मैं गई थी उनके ताऊ के पास गई थी। ताऊ के पास? हाँ। कहाँ है वो फिर? पूछना हुआ होगा क्या? फिर कोई बात नहीं। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है यार। अच्छा मैं असल हो रहा ताऊ ऊँचो सुना मशीन मशीन बनवाने गई दूंगी। अरे मैं मशीन मशीन काय को बनवाने गई थी, मैं काय को बनवाऊँ? मैंने कहा सब पर ठेका ले रखा है। फिर क्या काम पड़ो? बस ऐसे ही गई थी, थोड़ा समझाने गई थी, जवान बेटी है शादी कर दो उसकी। अच्छा कल को कुछ नीच हो गई तो, और तो अरे वो लक्कड़ है वो कहाँ सुनेगा किसी की शादी। उल्टी लग रही मेरी बात तो, तू मुझे ज्ञान मत दे। बता अकल की कोई कह रहा है तो उसे ज्ञान मत दो, किसी दिन किसी के साथ मुंह काला कर गई ना खट्टा ज्ञान धरा रह जाएगा। तो अभी कहाँ है ब्याला को, अभी घूमन दो गांव में। अभी जैसे तुम रड़ुआ घूम रहे हो ऐसे सब सोच रहे हो? अरे ना अभी घूमन दो, खेल भी घूम भी घूम रहे अभी बाकी, अभी कहाँ रहेगी ब्याला। अच्छा रड़ुआ आदमी तुम जानते ना शादी ब्याह क्या चीज होती है, जब तो अगर शादी हुई होती दो चार बच्चे हुए होते तो जानते भी। अरे अभी कहाँ से ब्याह लगेगी वो, ब्याह हो गए 30 साल के बाद। 50 साल में? 30 साल के बाद होगी ब्याला को। बाबा की कान भर रही हो? कान भर रही हो? Okay. अरे मैं तो अपनी बहन बेटी समझ के उन्हें समझाने गई थी। हाँ तो वही। अरे कल को ऊंच नीच हो गई तो? अरे ऐसे कैसे आ जाएगी किसी के साथ? ना हाँ ऐसा ना हो, क्यों ना हो? ना ऐसे काम हमारे गाँव में ना हो। मैं हमारे गाँव में बड़े बड़े हुए पंच है और हमें लठ लेकर चल रहे। अच्छा कोई कह जा दो बात, ठीक है, है? तो वक्त आने पर बता देंगे, सब पंच धरे रह जाएंगे, तुम्हारे लठ भी धरे रोज रह जाएंगे। हाँ सब लेकर के आएंगे एक एक करके। अच्छा हाँ ठीक है बता देंगे। चलो निकल गए। अरे तुम जाओ। अच्छा तुम्हारी शादी कैसाल में हुई? क्या साल की तुम? मेरी तो शादी हो गई थी 20 साल की। 20 साल की? और क्या, 20 साल की शादी हो गई मेरी तो। 20 साल की? और क्या, गलत करो तुम्हारा। गलत? काय को गलत कर दिया, सही कर दिया। अरे सही ना करो, गलत है वो ये। क्यों गलत? यूँ हो गया 35 साल बाद होती है लड़की की शादी। 35 साल बाद? हाँ तुम्हें जल्दी पड़ रही, आधी उम्र निकल जाए जब। ना मुझे काय को जल्दी पड़ती यार, तुम भी कैसी बात करते हो। तो फिर काय को 20 साल की शादी है? अरे कल ही तो कर ली यार, अपने घर बसा ली अपने अपने पति के घर आगे, माँ बाप का घर छोड़ के। अरे हाँ 35 साल के बाद हो गए शादी तुम्हारी तो, हुई ना है 30 साल गए हम। अच्छा और 5 साल बाद हम ब्याह करेंगे 35 साल के बाद। है ही ना रही, कुछ दांत ही ना देख रहा तुम्हारे। क्यों ना देख रहे, सब कुछ देख रहे हमारा तो, दांत की बात कर रही हूँ। अरे तुम जाओ यार, चलो तुम जैसे मूर्ख तो कौन मूड मारे रड़ुआ है। हम कहाँ वाले हैं ना देरी चलते काम पे। और ताऊ राम राम। राम राम बेटा, राम राम जुगनू। आज चूरन ना मेरे दी का काशी को? चूरन ले जाना भूल गया मैं जो है। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ घर पे, बेटी से चूरन लेकर लाऊंगा, तब चूरन की फंकी मारूंगा गर्म पानी से। अच्छा अच्छा नो करो, काई को आई छोरी तुम्हारे घर है? हैं हाँ कौन छोरी? वो मोटी सी है। अरे वो खाना खान की बात करती, तुझे पता तो है, एक तो ये समझ ले आटो मांग आई होगी। अरे घेर पे आई थी। अब घेर पे आई, घेर पे आके हमारी खाट और तोड़ रही। अच्छा हाँ मैं कहा आगे और 10 बातें बना रही। ताऊ तुम छोरा की वो लड़की की शादी नहीं कर रहे, छोरा नहीं देख रहे अपनी लड़की के लिए? मैंने कि एक बात बता, लड़की मेरी है, मेरी जिम्मेदारी, मैं उसका बाप, मैं लड़की की शादी करूं ना करूं, कहां से करूं कहां से नहीं करूं, तो ये बता तेरा कौन है तू? सही बात है, ये बता कौन है? बताऊ अभी ब्याह लगना है वो, अभी ब्याह लग गया। 40 साल बात करी, बच्ची है मेरी बेटी। हाँ जी बच्ची है, खेल खेल कौन नहीं कमा रहा। 40 साल की है, अब आगे बात करियो। बिल्कुल जुगनू, 40 साल पे जब आएगी ना मेरी बेटी, तब करूंगा। जब करियो शादी करूंगा तुम धड़ाके से, गंगा पार से करूंगा शादी उसकी। सही बात है, क्योंकि इन्हें तो खलबली मचता है, कोई कई के घर में 4 आदमी रहे। सही बात है, खलबली मचा है। ये है, ये बात के भतूने हैं, है ना? अब इनको कोई मिलता नहीं है तो देखिए अपने कोई टोंटबाजी कर दो। अब वो ये चाहिए का हमारे घर में आ जा। बिल्कुल ताऊ करियो मत, इसका खानदान इस लायक है नहीं। मैं बता तो रहा हूँ तुझे, 40 साल बाद करियो ब्याह। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मुँह सफेद हो गई है अभी, मैं सफेद थोड़ी हुआ हूँ। ऐसी बात कर रहा तू जुगनू, और तू शादी नहीं कर रहा अपनी? ना मेरी 35 साल की उम्र होगी जब होगी। 35 पे मत करे ना, 50 पे करो। क्यों? मैं करवाऊंगा तेरी 50 पे, 50 का हो जाए तेरी शादी करवाऊंगा बेटे, बिल्कुल बढ़िया रंगशाला की बारात जाएगी। बिल्कुल 50 साल बाद, 50 साल पर शादी करवाऊंगा। और ताऊ 50 साल बाद शादी कराऊंगा तो फिर मैं जीऊंगा कह देना। जिएगा? हाँ क्या जीने की कौन सोचता है बेटे, फिर बाली बच्चे कैसे होंगे? बालक बच्चे तो हो जाएंगे। कैसे? 1-2 साल में बालक बच्चे हो जाते हैं। अच्छा। है कि नहीं? और देख जब 50 में शादी हो जाएगी ना, तुझे बहुत सुख मिलेंगे बीवी के।
अच्छा बिल्कुल अच्छा 50 साल की हम है जाएंगे बिल्कुल चलो 1-8 साल में बालक है जाएंगे हो जाएंगे बिल्कुल 65 साल में आदमी मत जाए तो मरेगा अच्छा फिर अब ये बताओ 15-20 बालक कैसा करूंगा मैं 15-20 बालक कर लेगा कैसी बात कर रहा है, है? 50 के बाद में 65 पे तो मरेगा 10 साल तो बच्चे बनाने के लिए मिलते रहेंगे तो 10 ही बालक पे है चुप रेखा में कहीं बात करता चल हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ बालक तो 10 ही भाई फिर अरे तो 6-6 महीने के बच्चे कर लेना 6 महीना के है जाऊंगे बिल्कुल ना 6 महीना के होंगे ना बहुत छोटे छोटे होंगे चुन्नू मुन्नू अरे ताऊ ना होंगे 6 महीना का बच्चा तो बकरिया को मत जा चिंता मत करे मैं बैठी चीज दवाई दिलवा दूंगा बढ़िया बच्चे होंगे जुड़वा और होंगे और बता तो क्या बालक है जाएंगे पूरे 12 एक दर्जन 65 साल तक हाँ और कन्ने मो 20 है हो जाएंगे धीरे धीरे होंगे ठीक है चिंता मत करे ऐसा तो मेरी खोपड़ी मत खावे मेरी खोपड़ी वैसे गड़बड़ कर रहे दिखो देख मैं बताऊ अभी तो खोपड़ी मत खा मेरी जिस दिन तू शादी करे उस दिन तो मेरे पास आना फिर तुम्हारे पास आए क्या करूंगा उस दिन मैं तो एक सीख दूंगा तो अभी दे दो बच्चों की वो अभी नहीं मिलेगी अभी तू जा चलो ठीक है ठीक हाँ जा तो फिर ठीक है 35 साल बाद मिलूंगा ठीक है बेटा जरूर ये जगह भी तो सही है अब देखो यहाँ पे कितने आराम से सुकून से खड़े हैं लेकिन अब मैं बाबूजी को कहूंगी क्या कि मैं कहाँ गई थी कह देना यार तुम बाबूजी क्योंकि वहाँ तो पानी के बहाने आ जाती थी यहाँ पे तो मैं बिना कुछ बोले आई हूँ तुम्हारे बाबूजी हैं बूढ़े सो गए होंगे उन्हें क्या फालतू में होश रह रहा है कि मैं कितने बजे जाऊंगा कितनी देर में आई है मेरी लड़की ठीक है लेकिन अगर जग गए तो अरे कहीं नहीं जग रहे और देखो हम दोनों मैं तो ये चाहता हूँ देखो हम दोनों को भैया तुम कौन हो भैया तुम्हें क्या हमें क्या हम तुम अपना काम करो ना तुम्हें क्या मतलब हम कोई भी सही अरे हम तो काम कर रहे हैं भैंसी चुगाने अपनी ना तो चुकाओ जाओ भैंसी चुकाओ जाओ अपनी बस तुम नाका कर रहे हो हम तो पहली बार देख रहे हैं कहाँ से आए अरे तो पहली बार दिखाऊं तो पहली बार उन्हें क्या देख रहे हो तुम उनसे मतलब क्या है तुम्हारा ये लल्ली कौन ये लल्ली अरे किसी की भी लड़की हो तुम्हें मतलब क्या है यार पूछू तो सही तुम क्यों फटे में ये टांग अड़ाने आ गए हैं कौन की लल्ली चीतराम की चीतराम ताऊ की है अरे तुम उनके बेटा है उनके तो ये करने आए वो हम लोग पढ़ाई की थोड़ी बात कर रहे हैं मैं घर ले जाने वाली वो तुम आ गए तो हम थोड़ी देर यहीं बात करने लगे मतलब पढ़ाई की बात जाऊंगी अरे तो क्या हो गया कहीं भी हो सकती है पढ़ाई की बात ये बताओ तुम हो कौन हो ये तो बताओ अरे तुम्हें उससे तो दिया तुम कौन हो तुम रिश्तेदारों में रही बताओ वो हमारे ताऊ लगे वो जली की लली है गाँव के तुम जाओ यार मैं दिमाग मार के आता हूँ जाओ हो कौन भैया तुम क्यों फटी में टांग अड़ाने आ गए मतलब क्या है तुम्हारा ये तुम्हारी बहन है कौन है तुम्हारी घर की है कौन है बहन ही मान लो घर फालतू की बातों पर ध्यान ना देके अपनी भैंसों पर ध्यान दो और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्यों बातें कर रहे थे कौन हो कहाँ से हो तुम कोई मजिस्ट्रेट नहीं हो या प्रधान नहीं हो तुम्हें बताऊंगा मैं सब बात काम देखो अपना ठीक है ताऊ से ही बात करूंगा ताऊ देखेगा मैंने तो नहीं देखे ना गांव गाँव में है ना गांव में ही होंगे अंदर घर पे होंगे पर लेकिन क्यों बताओ काम होने क्या काम था अरे वो छोरा बताया होंगे किसके लिए अरे वो ताऊ की चोरी ताऊ की लड़की ना वो अच्छा भाग ले लड़का बता रहा हूँ तुम तो ये कह रहे 35 साल के बाद हैगी प्याला वो भाई शादी लाख हैगी वो हैगी 35 साल की कल तो मुझसे ये कह रहे थे कि ना अभी शादी लाख खेल ले ना 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 अच्छी है गई हैगी ब्याला कहेगी वो कि तुमने ऐसा क्या देख लिया वो आज मैंने देखी मैं भैंसिया चरा रहा हूँ वो एक चोरा से बतला रही अगर चोरी चोरा से बतलाए तो समझ लो ब्याला कहेगी वो तो बतलाई तो रही वो अरे ना शादी योग कह गई अब जब ताऊ कहा ताऊ बताओ ताऊ तो वैसे घर ही होंगे पर तुमने क्या ठेका ले रखा शादी कराने का तुम खुद की तो कर लो हमारी तो है जाएगी 40 साल बाद होगी हमारी लेकिन तुम्हें ताऊ के पास जाने से कोई फायदा थोड़ी है सोना है फायदा क्यों है? मैं भी गई थी ऐसे ही कहने समझाने लेकिन मुझे भी उल्टी सीधी बात कह के विदा कर दिया ऐसी तुम पहले गई पहले में और अब में बहुत अंतर है पिछले जन्म में गई थी नहीं पिछली साल ही तो गई 1 साल है अब अरे कल परसों की बात बता कल परसों की कैसे हमारी बात मानेंगे ताऊ जाओ हम कहेंगे तो हम ब्याह तो ना करेंगे वो जाओ जाओ के है? जाओ ना खुद ही ना चाह रही कि काऊ को ब्याह है जा ताऊ और ताऊ ताऊ
कैसी बेहूदी बात कर रहा है, मेरी बेटी के लिए लड़का देखेगी वो? अरे मेरी बेटी की उम्र क्या है अभी, खेलने कूदने की उम्र है, छोटी बच्ची है नहीं ताऊ, मैंने कल देगी तुम्हारी लड़की। घामे खामारी बातें मत कर, मुझे ऐसा लट उठाना पड़ गया अपना, मैं नहीं चाहता। ताऊ मेरी बात मानो, मैंने कल देगी वो ब्याला है गई। तूने कहाँ देख ली मेरी है? कहाँ देखी मेरी बेटी? कल मैंने देखी दरवाजे बैठा रही। बिल्कुल अच्छा, मैंने क्या बोला ब्याला है? इसका मतलब तू मेरी बेटी बनाने लगता है? नहीं ऐसा मैं लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है टटुआ, तेरी देर मत करो, जल्दी आ। ऐसा आज के बाद देहरी पर चढ़ मत जाना। चो? नहीं जन बच्चे से चक्की पिसवाऊंगा, समझाया? नहीं शादी ना करोगे बाकी है? मेरी बेटी बच्ची है, तू कौन होता है मेरी बेटी की शादी करवाने वाला? अभी कहां से बच्ची है, वो ब्याह ना कहेगी वो। चल अपने घर जा, तेरा मुंह काला करके गधे पे बैठा के घुमाऊंगा गांव में। मेरी बेटी की शादी करवाने आ रहे, बताओ है? अरे तो तुम मुझ पे क्यों अर्रा के आ रहे हो? बीच में आ रही हो? रस्ते में रास्ता इधर ऊपर ही है, रास्ता मेरी आगे रास्ता पर ही है। तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है? हमारा दिमाग पागल है। अच्छा ये बताओ, मूड खराब है क्या? कह दी ताऊ ने? अरे ताऊ मान के होंगे बात, लड़का देखने जा रहे थे। बेकार आदमी है ताऊ, सही ना है? क्यों तुम तो बड़े बात से कह रहे? अरे मेरी बात तो, अरे मैं तो हमारे कही मैं इनकी कल देखी, मैंने मैंने ब्याह ला कही मिला ताऊ तो क्या हूँ भाई, शादी ब्याह ब्याह है तो सही है। ताऊ अर्रा के और आ रहा है। तुम्हें क्या मतलब है दूसरे के बड़े में टांगना है? तुम अपना देखो यार, तुम अपनी शादी करो। मेरी तो 40 साल बाद होगी, तुम्हारी होगी उसमें क्या नाम है उसपे अर्थी पे सज जाओ जब होगी तुम्हारी। बड़ी बदतमीज है, मारना चाह रही हूँ मैं, मारना ना चाह रही कह रही हूँ। तो बात ही है 40 साल बाद होगी, हाँ और 40 साल बाद बच्चे होंगे, वो भी 20-65 साल तक। मुझे तो अभी स्थिति ना लग रही कि बच्चे हो जाए 40 साल बाद के खा लूंगे। कोई खराबी है? मुझे क्या पता कोई खराबी होगी तो ना होंगे। मैं तो पहली बने करी थी कि मत जाओ, बेकार उनकी बुद्धि में पड़ गए कीड़े। अरे मौका मालूम बुद्धि में पड़ गए पत्थर, वो किसी के ना मानेंगे। जब कोई ऊंच नीच बात हो जाएगी ना तब रोंगे मूड पकड़, जब देखे वो नीचे ऊपर मोना मालूम। इतनी उल्टी बात करोगे मुझे? वो तुझसे तो तुझसे मुझसे भी खूब उल्टी सूदी कही मार मार के लगा रहे बात बाल लेकर। इसीलिए मुझे तो कोई मतलब नहीं, कोई कहीं भी जाओ, कोई कहीं भी जाओ, क्या करेगा जब कर दे, मर जाओ, हमें क्या लेना देना। हम कब मर जाए? हाँ तो बताओ फिर आगे के लिए क्या सोचा? आगे के लिए और क्या सोचा? उसके बाद में वो कुछ कहते नहीं रहे थे गाँव वाले चाचा जी? अरे गाँव वाले चाचा को मैंने कर दिया एकदम फिट, मैंने अपनी भैंसों का ध्यान रखो, हमारे ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और तुम्हें मतलब क्या है दूसरी और ध्यान देने के लिए तो हम ही दोनों काफी हैं। मैंने खूब सुना दिया, चिंता क्यों कर दी है यार, तुम्हारे मेरे बीच में कोई आएगा हम छोड़ दूंगा किसी को? नहीं और फिर हम लोग चाहते भी नहीं है कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई आए। बहुत देर हो गई तुझे देखते देखते, अपना मुंह लेके निकल गया यहां से। इनको कुछ मत बोलो विवेक, आप चुप कर दो। विवेक प्लीज आप जाओ, मैं जा रहा नहीं जा रहा यहां से, मैं कह रही हूं चला जा, तुझे शर्म होनी चाहिए तेरा बूढ़ा बाप है। कुछ नहीं देखो भाभी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश। अरे क्या बात समझू तेरी, अरे अपने घर की मान मर्यादा, अब मुझे पता है वो कैसा लड़का है, तुझसे ज्यादा नाच खाया, तुझसे ज्यादा उम्र हूँ मैं, ठीक है ना? ठीक है लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, ऐसे ही किसी दिन प्यार में काट के तुझे नाले में बहा देगा ना, ये उस दिन इसका प्यार ना दिखाई देगा तुझे। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो बहुत अच्छा है, और आप उसे गलत मत समझो। तू चुप कर, तुझे अपने बाप की नेक भी इज्जत का ख्याल है या नहीं ये बता। भाभी वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं वो है, तो शादी करने कौन कैसा है मुझे सब पता है, शादी और कर ले उससे। तो बाबूजी तो वैसे भी किसी न किसी के साथ तो शादी करेंगे ही ना, तो जिसके साथ करेंगे उसकी जिम्मेदारी तो होगी, इसकी क्या जिम्मेदारी है बता? इसका घर का पता नहीं, खुद का पता नहीं, कहाँ पैदा हुआ कहाँ नहीं। वो खुद कहते हैं पापा मम्मी से मिलवाने की, वो बाबूजी से बात करा देंगे, वो बहुत अच्छे हैं भाभी, आप उन्हें गलत मत समझो। तू अपना मुंह बंद कर और सीधी घर जा यहाँ से, आज मैं तेरे बाप से ही बात करूंगी, कहूंगी उससे। भाभी प्लीज कुछ मत कहना, कुछ मत कहना, जा यहाँ से। अरे तुम लोगों ने बिल्कुल थुका के रख दिया है इज्जत की, इस गांव की मान मर्यादा बिल्कुल मट्टी में मिला के रख दी। ताऊ जी राम राम। ताऊ जी मैं ये कह रही हूँ अपनी लड़के के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर दो। मैं देखो तुम्हें बार बार कह रही हूँ तो थोड़ा समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं चिंता हमें होनी चाहिए, तुझे होनी चाहिए ये बता।
अगर हमें चिंता हो रही है तो हम उसका अच्छा सोच रहे हैं, बुरा तो सोचना नहीं। देख मेरी बात सुन ले, अच्छे के लिए बोल ले, मेरी बात सुन, अच्छे के लिए बोल ले, मेरी बात सुन। ना तो तेरा हमारे घर से कोई संबंध है, ना तू हमारी जात की ना बरादरी की, ठीक है? और हमारी बेटी कहाँ हम शादी करेंगे, कहाँ कब करेंगे कब नहीं करेंगे वो हम जानते हैं अच्छे से। ज्यादा बड़े में टांग अड़ाने की कोशिश मत कर बेटिया। देख मुझे इस गांव में रहते रहते हो गई 50 से 55 साल हो गई मुझे, पता है मुझे, ठीक है? और मैं अब का तो हूँ बच्चा नहीं हुआ जो तू मुझे सिखा रही, और मेरी बेटी है भी बच्ची, ठीक है? और उसके खेलने कूदने के बारे ज्यादा हमारे उसमें दखल अंदाजी मत दे। देखो मैं तो समझा रही हूँ, समझाने मत जा, अभी समझ जाओगे तो आगे तुम्हें पछताना ना पड़ेगा, और अभी ना पछता, अभी ना समझ पाओगे तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। हम बच्चा लग रहे हैं तुम्हें समझने के लिए? बच्चे ही हो तुम तो, बच्चे से भी गई गुजरी निकली तुम्हारी तो। अरे इतनी बात अगर बच्चे को सिखाई जाती ना तो तुम बच्चा भी मान जाता। अब हम नहीं कर रहे शादी, अब ले बता क्या करेगी। अरे मत करो, नहीं कर रहे हम, मत करो, किसी दिन मूड पकड़ के रोओगे, खून के आंसू रोओगे। हमारी बेटी खूब नाम करेगी, नाम कमाएगी हमारी बेटी, बहुत नाम कमाएगी, थोड़े दिन में जा भी पता लग जाएगा। बता हमारी बेटी में कोई कमी बता दे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तुम्हें 17 का कमी बता देंगे तुझमें। मुझमें क्या कमी काम कर अपना पंचम पंचम पंच समझ रही है, हमें समझ रही है, छोटा मोटा मट्टी में मिला देंगे हमें, बताओ आए हमें जान दे रहे। आ गई बेटी। जी पिताजी। कहाँ गई थी तू, कहाँ घूमती है ये बता। पिताजी घूमने कहा, मैं तो फ्रेंड के पास गई थी और थोड़ी बुक्स वगैरह ली थी, उसकी बुक्स देने गई थी। हमें पता है, हमें विश्वास है अपनी बेटी पर। अच्छा बेटी हमें एक बात करनी थी तुमसे। बताओ। वो बात ऐसी थी, दरअसल कुछ गांव वाले हैं जो अपनी जुबान पे मतलब ऐसी कड़वी चील लेकर के चलते हैं, वो मुझसे हमेशा ये बातें बोलते हैं कि अपनी बेटी की शादी कर दो, कि तुम्हारी बेटी सही रास्ते पे नहीं जा रही, मतलब कुछ ऐसी उठपटांग। क्या बेटी मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि कोई गलत काम तो नहीं कर रही हो तुम? नहीं बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा बाबूजी ये सब छोड़ो, आपने खाना खाया? बेटा देखो हम तुम्हें बहुत प्रिय मानते हैं, ये समझ लो कि अगर तुमसे किसी ने इस गांव में अगर एक उंगली भी छुला दी ना तो समझ लो उसका रहना दुश्वार है इस गांव। नहीं बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है, बाबूजी मैं भला ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ इसलिए हम पिता हैं तुम्हारे, और हम हमारे इज्जत को ऊंचाई करके दो, बढ़ावा बढ़ा के दो, ठीक है? क्योंकि तुम एक पंच की बेटी हो, ठीक है? और चिंता मत करो, अगर तुम्हारे इस गांव में तुमसे अगर कोई कुछ बोल भी जाए हमें आगे बताओ जी, उसकी तो हम खटिया खड़ी अगर बिस्तर गोल ना करा दें, उसका सोना दुश्वार ना करा दें तब कहना बेटी, बाकी हमें अपनी बेटी में विश्वास है। अच्छा ये बताओ बेटी क्या बनाया आज? बाबूजी मैं आपके लिए पराठे बना के गई थी और मठा भी बनाया था। अरे वो मैंने खा ली है। खैर अब मैं जाता हूँ जरा खेत की तरफ घूमने, और ये है कि मैं जो जब मैं लौट के आऊंगा तब कुछ बढ़िया सा बनाइयो, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ चिंता मत करना, और खूब घूम तू, खूब बढ़िया तरीके, अभी तो तू बच्ची है तेरी, खेलने कूदने की उम्र खूब है, ठीक है जी बाबूजी। जा आए हमारी बेटी की तरफ ने खा करने वाली रास्ते में। कहाँ आ रही हो? मंदिर पे कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? कौन से मंदिर पे? शिव के मंदिर पे हो रहा है। कौन से मंदिर पे? मंदिर तो बंद है, तुम्हें ज्यादा पता है? हाँ दोपहर के बाद बंद है जाए। अरे तुम अपने काम करो जाके, 12 बजे तक खुले। तुम्हारा काम क्या है? काम क्या? कीर्तन है करो अब, मंदिर पे हो रहा है। वो तो मुँह मालूम है, कहाँ है कीर्तन? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे बारे में, और ज्यादा बकवास की ना अभी कंप्लेंट कर दूंगी, बंद करा दूंगी थाने में। कंप्लेंट को क्या कर दो हमने? फालतू अवकाश कर दी तुमने मुझसे। क्या कर दी फालतू? अभी मेरे पिताजी को जानती नहीं हो। तुम ना जानू? पंच है वो। अच्छी अच्छी तरह जानू ना। कहीं ना जानते हो, अभी बुलाओ बाबूजी को। अभी बुलाओ बाबूजी को। बाबूजी को? मेरे बाबूजी है वो पागल। हम रोक रहे तो हम बावरे बावले ही हो तुम। जो? काम करो जाके। हम तो तेरी भलाई के लिए पूछ। बाबूजी को बुला के लाऊं अभी? बाबूजी को बुला के। मेंटल है वो। तो फिर निकलो अपना काम करो। चलो शाम को बाबूजी से ही शिकायत करूंगी। शिकायत करेंगी? जा यहाँ से। हम तो मतलब अच्छे गला सोच रहे हैं, ऊपर और आ रही है। भाभी अरे कहाँ चल रही हैं? वो भाभी मेरी गांव के बाहर वाली जो फ्रेंड है ना, वहाँ जा रही थी, उसके पास कुछ बुक्स लेनी थी तो कंप्लीट करना था काम। बुक्स लेनी थी? बुक्स लेनी थी या कहीं और ही जा रही थी? नहीं मैं कहाँ जाऊंगी। देख मान जा। नहीं भाभी जो आप समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है। काय को तू अपनी बाप के नाक को जड़ में से ही काट देना चाह रही है? नहीं नहीं भाभी, मैंने उससे बात करना छोड़ेगी ना? छोड़ेगी?
मैंने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। हमें मत चला तू, ठीक है ना? कह रही हूँ मान जा, सुधर जा, और ना तो जाके कुआं में गिरो तुम। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बुक्स ही लेने जा रही थी। मैंने तो उससे बात करना कब का बंद कर दिया। ठीक है जा, बुक्स लेने जा रही थी, छूट तो देखो इसका। विवेक आप आ गए, पता है मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ, तुम्हारी जरूरी बात भी सुनेंगे, और बताओ। बताना ये है कि मुझे तुमसे मिलना तो बहुत ही जरूरी था, क्योंकि मैं तुमसे मिलती नहीं तो तुम्हें बता नहीं पाती। हाँ हाँ। अब बात ये है कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? शादी कुछ टाइम और रुको, ज्यादा से ज्यादा बस 2 महीने, मैं अपने काम से सेटल हो जाऊँ और उसके बाद तुरंत हम। लेकिन 2 महीने बाद तो बहुत समय हो जाएगा। समय हो जाएगा? अरे कहीं तुम भागी थोड़ी जा रही हो या मैं भागा जा रहा हूँ? बात भागने की नहीं है तो? बात यह है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। विवेक तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे सोचने की नहीं, लेकिन तुमने यार ये प्रेगनेंसी वाली बात मुझे अब बता रही हो। तुम मुझे क्या पता थी कि आप इतने हाइपर हो जाओगे इस बात को सुन के? इसका मतलब आपको खुशी नहीं है? तुम खुशी की बात कर रही हो, मैं क्या किसी लड़की से आज तक शादी कर की है जो तुमसे करूंगा? लेकिन विवेक मैं वो कोई लड़की नहीं हूँ, मुझसे तुम प्यार करते हो। प्यार करता हूँ? हाँ बहुत प्यार करता हूँ, और हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। विवेक नहीं, विवेक नहीं, 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 नहीं। तो जैसे प्यार पता नहीं कितने बर्बाद हो गए मेरी वजह से। एक और मौत, 15वीं लड़की भी आज मारी गई, आई थी ये बच्चों की टिटोली लेकर मर, क्योंकि विवेक का सिर्फ एक ही उसूल है, लड़की को इस्तेमाल करो और उसको जान से मार दो। साहब कुछ हो रही है लल्ले? उम्र की दीख है ये, कैसे आऊं? अरे कहाँ चल दिए? अरे ताऊ कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, बार बार तुम मुझसे ही पूछो ताऊ की। ताऊ जो पूछ रहा हूँ, ताऊ चोरी मरी पड़ी है। कहाँ पे? अरे हमारे टूवेल पे। सच बोल रहे हो? झूठ तो ना बोले। तुम्हारी कसम मैंने तो हवाल देख खाऊ तो। मेरी कसम मत खा, तुम झूठ बोल। अरे मैं तो देख की चौक को चल लू। रुको रुको रुको, मैं पता भी है कहाँ है। अरे मैं तो कुछ सोच ना समझे, मैं चल दी। अब कुछ मत सोचो, आ मेरे संग आओ, दिखाओ। देखो वो, ये तो गैरोस पड़ी है। गैरोस नहीं है, मार दीजिए। हे भगवान, मार दी? सच में ही ऐसे? एक काम करते, ताऊ के पास चलो। चलो कौन? तुम यहाँ घर में पड़े हो? तू फिर आ गई? अरे मैं फिर नहीं आई, तुम मेरे साथ चलो जल्दी। ऐसा क्या हो गया कि? ऐसा हुआ नहीं, वो ही तो दिखाना चाह रही हूँ। चलो मेरे साथ और खुद अपनी आंखों से देख लो। ऐसा क्या? तुम्हारी बेटी का मर्डर हो गया है। मेरी बेटी का मर्डर? मेरी बात सुनो और समझो जल्दी, चलो मेरे साथ आओ। तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? ये भी कोई मजाक है? चलो मुझे ले चलो। कहा है मेरी बेटी? मेरी बेटी, बेटी ताऊ जी, बेटी संभालो अपने आप। बेटी संभालो, मेरी बेटी संभालो, मेरी बेटी संभालो, संभालो। अरे ये जरूर उसी लड़के के काम है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ। ले चलो इन्हें। आओ तब। चलो अब हमें करना क्या चाहिए? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस हरामखोर को कैसे सजा मिले इस चीज की, उसका उसे तो कम से कम फांसी की भी सजा उसके लिए कम है। एक काम करते हैं, सीआईडी ऑफिसर के पास चलते हैं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। चल चलो। तुम शांत रहना, मैं बात कर लूँ। सर, अरे कोई है क्या? सर है क्या?
नमस्ते सर। जी नमस्ते जी। आपसे एक हेल्प चाहिए सर। हेल्प चाहिए? लेकिन आप बिना बताए बिना कॉल किए ऑफिस के अंदर? नहीं सर, बात ही कुछ ऐसी थी। हमारे गांव में एक लड़की का मर्डर हो गया है। गांव में मर्डर हो गया? जी। तो पुलिस से तहकीकात नहीं कराई? गांव के किसी थाने में नहीं बोला? सर हमने कराई थी लेकिन वहां से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, इसीलिए आपके पास आना पड़ा। तो मर्डर मतलब गांव की कौन सी लड़की है? क्या? अच्छा, तो कौन सा गांव है तुम्हारा? जी गंगापुर। गंगापुर जी। ये मर्डर कब हुआ है? जी इसे हो गए कम से कम 8 दिन हो गए आज। 8 दिन? जी 8 दिन हो गए और अभी तक मेरे पास कोई रिपोर्ट भी नहीं आई। रिपोर्ट नहीं आई और कोई तहकीकात ही नहीं हो रही है, कोई ढंग से कोई मामला समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि आपको किसी पे शक है? मुझे तो एक ही इंसान पे शक है, जिस लड़के से वो मिलती थी, जिस लड़के से वो ज्यादातर अक्सर। लव ऑफ का चक्कर है क्या? हाँ, वही प्यार का है, प्यार का चक्कर है। तो इसका मतलब वो लड़का पैसे वाला है क्या, जो पुलिस वाला को कुछ रिश्वत वगैरह दी हो? मैं तो नहीं जानती पैसे वाले, लेकिन लगता तो अच्छे खानदान से ही था। तुम्हारी बात में मुझे सच्चाई लग रही है। अगर मैं पुलिस को भेजता हूँ तो शायद वो भी पुलिस रिश्वत दे के। एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। जी ठीक है, चलो मेरे साथ। थैंक यू सर। आइए मेरी गाड़ी में चलो। गाड़ी। सॉरी सर, मैंने आपकी गाड़ी वहीं खड़ी करवा दी क्योंकि आगे पैदल का। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे जहाँ पर मर्डर हुआ है मुझे उस जगह ले चलो। मर्डर? हाँ। जहाँ वो लड़की पड़ी थी मैं वो चीज दिखाती हूँ तुम्हें। अच्छा चलो। वो यहीं पड़ी थी लड़की। अच्छा अच्छा, एक मिनट इधर आओ उधर। अच्छा उसकी डेड बॉडी यहीं पे थी। आसपास भी ये इस गांव में कितने लोग रहते हैं तकरीबन? ज़्यादा नहीं, छोटा सा गांव है, 20-25 लोगों का घर है। 20-25 घरों का लोगों का घर है। हाँ तो उनमें से उस लड़के का घर कौन सा है? वो तो दूसरे गांव का, इस गांव का नहीं है। मतलब इस गांव का नहीं है, वो दूसरे गांव का है। अगर दूसरे गांव का है तो फिर तुम लोग मुझे यहाँ की। अच्छा लड़की की जो डेड बॉडी, वो लड़की थी वो इसी गांव की, मैं भी इसी गांव की हूँ। चलो मेरे साथ आइए, जल्दी आओ उसके गांव। चलो यही घर है शायद उसका। बुलाओ, आवाज दो। अरे कोई घर में है? कोई? कौन? जी क्या नाम है आपका? विवेक नाम है मेरा। यही वो लड़का? जी मतलब। अच्छा एक बात बताओ विवेक, तुम्हारा गंगापुर में किसी लड़की से अफेयर चल रहा है क्या? चल रहा था? आई मीन जी सर चल रहा था। अच्छा तो कहाँ है वो लड़की? सर वो तो अपने घर हो गई। अपने घर हो गई? जी सर। पिछले 8 दिनों से तुम्हें ये भी नहीं पता कि जिस लड़की से तुम प्यार कर रहे हो, जिस लड़की से तुमने प्यार किया, वो 8 दिन पहले मर चुकी है और तुम कह रहे हो कि अपने घर है? हैं? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं सर। मेरा नाम राजवीर सिंह है, सीबीआई ऑफिसर। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तो सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा मुझे तहकीकात करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। वैसे मुजरिम बड़े कच्चे किस्म के हो, ये बताओ कैसे मर्डर किया और क्यों किया? मैंने कोई खून नहीं किया। कोई खून नहीं किया? नहीं सर। देखो हर चीज़ में मुजरिम अपना एक कुछ ना कुछ छोड़ता है, तुमने भी अपनी कुछ ना कुछ निशानी छोड़ी है। मुझे लगता है तुम घड़ी पहनते थे, है ना? घड़ी की एक पिन तो देख ली, बाकी घड़ी कहाँ है? घड़ी? देखो ना तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि तुमने उस लड़की को जानबूझकर मारा है। क्यों मारा है? और वो घड़ी उस जगह पड़ी थी। बताता हूँ। बताओ वरना पुलिस कस्टडी में ले जाके इतना टॉर्चर कराऊंगा कि सारी जिंदगी चलने के लायक नहीं रहोगे। बताता हूँ। वो लड़की प्रेग्नेंट थी और वो शादी करने के लिए मुझ पर जोर डाल रही थी, लेकिन मैं शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था। हे भगवान, क्यों इतना दरिंदा निकला तू? सर ऐसी बहुत सी लड़कियों को मैंने इसी तरीके से मारा है। मतलब
एक ये लड़की, इसके अलावा तुमने किसी और लड़कियों का मर्डर किया है? 14 लड़की थी सर। दिल तो कर रहा है कि, और खुलेआम घूम रहे? वाह, इन गांव में कई मर्डर हुए और हमें तक ये भी नहीं पता। कितनी रिश्वत खिलाई है पुलिस वालों को, कितने थानों को खरीदा है तूने, कितने लोगों को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए खड़ा किया है। आज तुझे पता है, आज ये ऑफिसर राजवीर तुझे वो हवा खिलाएगा। तूने 14 मर्डर किए ना, 1400 साल भी अगर तुझे कानून के अंदर रखा जाए ना, तो तेरा गुनाह कम नहीं हो सकता, क्योंकि तू वो दरिंदा है जो मासूम और लड़कियों की जान लेता है। प्यार मोहब्बत है नाटक, अरे प्यार का लफ्ज भी जानता है प्यार क्या चीज होती है, है? लड़की, उस लड़की को जब चाहे जब खेला, उसको जब चाहे जब मां बनाया है, और जब वो अपनी आवाज उठाने के लिए तेरे पास आई तो तू उसका खून कर देता है। इसकी सजा जानता है तू क्या होगी? ले चलिए सर इसे। इसकी सजा सिवाय मौत के कुछ नहीं हो सकती। चल।